हेट की आग ऐसी होती है जिसे बुझाने के लिए इंसान क्या क्या कर गुजरता है। जब आग नहीं बुझती तो व्यक्ति सही और गलत का फर्क भूल जाता है, वरना कौन अपने मासूम बच्चों का सौदा करता है। अच्छा, किन के पास गया? अच्छा, मजूरी गया है या आपने गिरवी रखा है? गिरवी रख दा, वो तो चार महीना साल भरी जा गिरवी मानो। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले स्थित बदरवास में मासूम बच्चों की मंडी सजती है। मंडी में बैठ माँ बाप अपने बच्चों की बोली लगाते हैं। राजस्थान से आए लोग इन बच्चों को 4 से 5 महीने के लिए ले जाते हैं, बदले में इनके माता पिता को पैसे देते हैं। ये राशि 5 से 6 हजार रुपए की होती है और बच्चे वहां जाकर भेड़ चराते हैं। गिरवी रखा था? किसके पास रखा था? भेड़ वाले को। पता है क्यों माँ बाप अपने बच्चों का सौदा करते हैं? हम आपको बताते हैं। इन पैसों से साहूकारों का कर्ज लौटाते हैं और घर के लिए राशन खरीदते हैं। ये इतने मजबूर है कि पेट पालने के लिए इसके सिवा इनके पास कोई रास्ता नहीं। आदिवासियों के लिए चल रही सरकारी योजनाएं कभी इनकी गलियों में आई ही नहीं, मजबूरन अपने बच्चे को 5-6 महीनों के लिए गिरवी रख देते हैं। अरे मजदूर कोई है नहीं है और जमीन कोई है नहीं है, पालन पोषण कैसे होगा? अच्छा, इसलिए मतलब गिरवी रख देते हैं। भाई हिसाब से गिरवी, कितने दिन के लिए रखते हो गिरवी? ये 4 महीना 5 महीना और अपन सौदा बन जाए 6 महीना भी हो सकता है। ये बात तो ग्रामीण इलाके में रहने वाले आदिवासियों की है। शिवपुरी शहर स्थित शिव कॉलोनी में रहने वाली माया कुशवाहा के हालात तो और खराब है। बेटी की शादी के लिए साहूकारों से 2.5 लाख का कर्जा लिया, जिसमें करीब 1.5 लाख चुका दिए, लेकिन कर्ज अभी वैसा ही है। इसे चुकाने के लिए पति ने और कर्ज लिया। हालात ऐसे हो गए कि घर गिरवी रखना पड़ा और उसके बाद घर छोड़ चला गया। माया के पति घर से दूर हैं, किसी को नहीं पता वो कहाँ हैं। पेट भरने के बाजार में बेटा छोटी सी दुकान लगाता था, साहूकारों ने उसे भी बंद करवा दिया। सरकारी योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है। चौखट पर बैठ अब माया अपनी किस्मत को कोसती है। आदिवासी और गरीब किसानों के लिए कमलनाथ की सरकार तो थैले भरकर योजनाएं चला रही हैं, मगर ये योजनाएं हकदारों से कोसों दूर है। अगर पहुंचती तो कोई माँ बाप अपने लाडले को गिरवी क्यों रखता? सबसे तेज और सटीक खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।